हमारे चैनल के एसएस भारती संगीत में स्वागत है। और पिछले लेसन में हमने बात करी थी फिल्म वंश का पति खूबसूरत सा गाना आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूर, इसकी स्थाई भी सीखी थी, म्यूजिक के साथ भी गाया था हमने इसको, और साथ ही साथ इसका नोटेशन हारमोनियम में किस तरह से गाया जाता है ये भी आपको बताया था। और आज आप सभी के बीच मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द इसका अंतरा लेकर के भी आऊंगी, तो आज के लेसन में इसके अंतरे पर हम फोकस करेंगे, किस तरह से इसके अंतरे को गाया गया है। पहले म्यूजिक के साथ ही बना के देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको हारमोनियम पर गाएंगे, और फिर आप सभी को क्या करना है इसकी स्थाई और अंतरा नोटेशन आप सभी के समक्ष सामने है ही, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी स्थाई को बजाने का अभ्यास करेंगे और अंतरे का अभ्यास करेंगे, तो आप फिर नो डाउट बिना नोटेशन देखे आप इस गाने को सीख पाएंगे। क्योंकि जब हमारे माइंड में किसी भी गाने के जो स्वर है हमारे दिमाग में जब पक्के हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो कीज पे उंगलियाँ हैं ऑटोमेटिक चलने लगेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप जब किसी गाने में पूरी तरीके से फोकस करने लगते हैं फिर आप ऑटोमेटिकली आपकी फिंगर्स हारमोनियम पर काम करने लगेंगी। ठीक है, आपको सिर्फ उसके जो स्वर हैं कौन से सुर लगते हैं रागपुर धनश्री में, ऐसे कि मैंने बताया कि कोमल रे कोमल धा और मा तीव्र कस्मल होता है, बस उसको ध्यान में रखते हुए आप कोई भी गाना रागपुर धनश्री का आप बजा सकते हो आराम से, ऐसे किसी भी राग पर आधारित कोई भी गाना, लेकिन उस राग के बारे में कौन कौन से स्वर लगते हैं उनको किस तरह से बजाया जाता है ये पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आप सभी को बताया कि रागपुर धनश्री में सरगम को किस तरह से गाया जाता है, गाने की स्थाई में भी मैंने ही बताया है, और आपके जो अंतरा है इसमें मैं आपको बता ही रही हूँ, और नोटेशन आप ज़रूर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस गाने को एक बार, जैसे कि मैंने बताया था रागपुर धनश्री में हमारा सा है, मंद सप्तक का नी है, और ये सा है, कोमल रे शुद्ध गा, मा तीव्र का यूज होता है, पा हो गया, कोमल धा का यूज होता है, शुद्ध नी और सा। ठीक है, ठीक है, तो पहली लाइन है सुंदर ताका बहता सागर, तो उसके लिए पहली लाइन क्या आएगी देख लीजिए पहले एक बार, डबल बार आएगी तो उसको किस तरह से लेना है देखिए, दो फूलों के खिलने का, दो फूलों के खिलने का, ठीक है, मग मग रे सानी सागा, मग मग रे सानी सागा, दो फूलों के खिलने का, मग मग रे सानी सागा, आ जा मिलके।
कुछ टॉप 6 सॉन्ग्स और साथ ही साथ आकृति ऋषि का परिचय आपको मिल जाएगा, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। आप सभी का बहुत 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 थैंक्स कि आप लोग मेरे पोस्ट को आगे शेयर भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी। जल्दी आती हूँ एक नए पोस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।